नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर में आयोजित स्टूडेंट ब्लॉक व खेल संकुल के शिलान्यास एवं दीपावली मिलन समारोह में शिरकत की। समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। स्टूडेंट ब्लॉक एवं खेल संकुल के शिलान्यास के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन कर समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई अभूतपूर्व पहल की सराहना के साथ ही उन्होंने समाज द्वारा एकजुटता के साथ विश्वविद्यालय निर्माण में किए गए सहयोग की भी खुले दिल से तारीफ की। मंत्री शांति धारीवाल ने विद्यालय निर्माण में समिति एवं समाज के व्यक्तियों के समर्पण को सराहा और समिति द्वारा विश्वविद्यालय की परिकल्पना को पूर्ण करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा, शिक्षा क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति द्वारा समाज में शिक्षा की अलख जगाने एवं विश्वविद्यालय के निर्माण में समाज के हर तबके के समर्पण की भावना की तारीफ करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय बदलते भारत की नई सोच नए विचार के साथ स्टार्टअप इनोवेशन प्रतिस्पर्धा के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, ऐसी मेरी कामना है। अभी एलओआई आएगी, एलओआई की जितनी भी शर्तें थी वो सब आपने मंजूर करी। एक साल के अंदर अंदर की शर्त तो एक साल में आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो सभी छात्रावास और सामुदायिक भवनों के लिए जब जब भी जमीन मांगी गई हमने हर चंद कोशिश करके उनको जमीन उपलब्ध कराई, सुल्तानपुर में भी कराई। तो ये सब कुछ देने का मन जब होता है, जब मांगने वाले की हैसियत देख ली जाती है, जब मांगने वालों में पहले 100 से ज्यादा तो आईपीएस है और 100 से ज्यादा फिर कहां कमी आ रही है, है? तो ये सब बातें हैं आपके सामने, मैं तो बधाई लंबी बात ना कहता हुआ बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको और आशा करता हूँ कि जो सोच आपने रख रखी है हम इसको विश्व स्तर का जो है विश्वविद्यालय बनाएंगे। ईश्वर ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इस काम में सफल रहें।